दोस्तों सामने जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये मोबाइल है वीवो और इसका मॉडल नंबर है 69। ठीक है, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर में पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल का अगर पैटर्न लॉक आप अनलॉक करेंगे या FRP लॉक अनलॉक करेंगे दोनों का सेम तरीका है। ठीक है, सेम प्रोसेस से आप इसका पैटर्न या FRP अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मेडिकल बॉक्स में इसका एंड्रॉइड वर्जन 7.0 है और इस मेडिकल बॉक्स में अगर आप इसको पैटर्न अनलॉक करेंगे या FRP अनलॉक करेंगे तो ये मोबाइल जो है पैटर्न FRP अनलॉक हो जाएगा, लेकिन ये मोबाइल लोगों पर अटक जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका ये मोबाइल लोगों पर अटकता है पैटर्न अनलॉक करने के बाद या FRP अनलॉक करने के बाद, तो उसे भी जो आप विदाउट फ्लैश किए आप जो है इस मोबाइल को अपने हाथ से ही उसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहे और मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं मेडिकल बॉक्स ओपन करके किस तरह से आप इस मोबाइल का जो है FRP लॉक या पैटर्न लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे आपको मेडिकल बॉक्स ओपन करके यहाँ पे दिखा देते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मेडिकल बॉक्स जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जो यहाँ पे जो वीवो का जो मॉडल नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और बूट आपको ऑटो रहने के लिए देना है। उसके बाद आपको अनलॉक फिक्स पर चले जाना है। तो अनलॉक फिक्स पर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनलॉक फिक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रीड पैटर्न का ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पर जो है रीसेट कोड का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है इस मोबाइल पर जो है वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको इन दोनों मेथड को जो है आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जो है पैटर्न अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ क्लियर FRP सेटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चेक लगाना है। तो यहाँ से आपका FRP और पैटर्न दोनों ही अनलॉक हो जाएगा। इस पर चेक लगाने के बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन पर जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको मोबाइल को बूट कराना है। तो मोबाइल को आपको बूट कराने में भी प्रॉब्लम होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं मोबाइल को आपको बूट किस तरह से कराना है ताकि एक बार में आपका मोबाइल जो है बूट कर जाए। आपको मोबाइल को ऑफ करना है और उसका वॉल्यूम प्लस कंटिन्यू आपको दबा करके ही रखना है और डाटा केबल लगाना है और बूट करने के बाद भी आपको वॉल्यूम प्लस को दबा करके ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल कम्प्लीटली जो है यहाँ पे जो है इसका FRP यहाँ पे अनलॉक कर देगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका FRP अनलॉक हो चुका है, लेकिन ये मोबाइल जो है लोगों पर अटक चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पे मोबाइल दिखा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख लें कि मोबाइल जो है लोगों पर अटक चुका है। दोस्तों ये मोबाइल जो है आप FRP अनलॉक करेंगे वीवो 69 तो ये जो है आपका लोगो पे अटक जाएगा। तो आपको इस मोबाइल को फ्लैश नहीं करना है, इस मोबाइल को बिना फ्लैश के ही आप रिपेयर कर सकते हैं। इस मोबाइल को आप रिपेयर करने के लिए आप इस मोबाइल के रिकवरी मोड में जाएंगे और रिकवरी मोड कैसे लाना है आपको, जैसे कि मान के चलिए वॉल्यूम माइनस और पावर की आपको कंटिन्यू सेम टाइम दबा के रखना है कुछ देर, उसके बाद इसमें जो है रिकवरी मोड आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ जैसे रिकवरी मोड आ चुका है, जैसे हमने रिकवरी मोड पे क्लिक किया मोबाइल ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है रिकवरी मोड पूरी तरह से उसका जो जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो है ऑन हो रहा है वापस और ऑन होने के बाद यहाँ पे जो है रिकवरी का लिस्ट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम रिपेयर का, तो आपको सिस्टम रिपेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद मोबाइल आपका कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।